पटसंथार उत्तस आचार कुशलो सिया ततो पामोज्ज बहुलो दुख संतम करिष्यति। पटसंथार उत्तस, जो भिक्षु जो साधक मैत्री पूर्वक स्वागत करने वाला है, सेवा स्वागत सत्कार करने का स्वभाव वाला है और आचार कुशलो सिया आचार कुशल है, आचरण संपन्न है, जो सदाचार में निपुण है, तो इसलिए पामोज्ज बहुलो बहुत आनंद के साथ बहुत आनंद पूर्वक दुख संतम करिष्यति, दुखों का अंत करेगा। इस गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो साधक सेवा स्वागत सत्कार करने का स्वभाव वाला है, सेवा कौन करेगा? जो अपने आप पर संयम रख सकता है वही सेवा करेगा, सेवा करने का स्वभाव वाला होगा। जिसे अपने ही भोगों की इच्छा है, जो स्वयं अधिक अपने लिए भोग चाहता है, सुविधा चाहता है, वह दूसरे की सेवा नहीं कर सकता और फिर स्वभाव ही होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं कठिनाई में भले रहेंगे, थोड़ी वस्तुओं में गुजर करते हैं लेकिन सेवा भावी होते हैं। सेवा धन दौलत रुपये पैसे बढ़ जाने से नहीं होती, उसके लिए उदार चित्त चाहिए। जब तक अपने में उदारता नहीं आएगी सेवा नहीं की जा सकती है। सेवा में त्याग करना होता है, बिना त्याग किए कोई सेवा करेगा कैसे? समय का त्याग करना पड़ता है, सुविधा का त्याग करना पड़ता है, अपने स्वार्थ भोग कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, पास की वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, तब सेवा होती है। तो कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है दूसरों को खिलाकर खाने में उन्हें आनंद आता है, सेवा करने में आनंद आता है, और इसमें उन्हें तकलीफ हो तो भी उनकी वो परवाह नहीं करते। तो यहां तथागत बुद्ध कहते हैं जो सेवा स्वागत सत्कार करने का स्वभाव वाला है और आचार कुशलो आचार कुशल है, सदाचार में निपुण है, स्वाभाविक है, ऐसे साधक का ऐसे व्यक्ति का मन प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, क्योंकि सेवा करने से और सदाचार का पालन करने से चित्त शुद्ध रहता है। जितना सेवा में मन लगेगा, सदाचार का पालन संयम में मन लगेगा,
उतना चित्त का मैल दूर होता जाएगा। चित्त का मैल दूर होगा तो चित्त निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा तो स्वाभाविक ही प्रफुल्लित, प्रसन्न और आनंदित रहेगा। और जो ऐसा स्वभाव वाला है, सेवा स्वभाव वाला है, सदाचार का पालन करने वाला है, जिसका चित्त निर्मल है, प्रसन्न है, इसलिए साधना में भी उसका मन डूबेगा। और साधना में मन लगेगा तो दुख संतम करी सत्य स्वाभाविक है, उसके दुखों का अंत होगा ही। सदाचार का पालन किए बिना, चित्त के निर्मल हुए बिना साधना हो नहीं सकती है। और साधना नहीं होगी तो दुखों का अंत नहीं होगा। दुख मुख्य रूप से मानसिक होता है, शारीरिक रूप से जिसे हम दुख कहते हैं वो दुख नहीं, वो कष्ट है। थोड़ी वस्तु में गुजर करना पड़ रहा है, एक ही टाइम भोजन करना पड़ रहा है, कपड़े लत्ते ज्यादा नहीं है, मका छोटा मकान है, रुपये पैसे बहुत कम है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो इन सबसे कष्ट होता है, दुख नहीं होता है। दुख जब होता है जब उनके साथ मन जुड़ जाता है, उसी को ही सोचने लग गया कि हाय क्या करें, हमारे शरीर में रोग लग गया है, कैसे होगा, मिटेगा कि नहीं मिटेगा, चिंता में मन डूब गया, मेरे पास रुपये पैसे ज्यादा नहीं है, बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्या होगा, चिंता में डूब गया मन। तो जब किसी परिस्थिति से हमारा मन जुड़ जाता है, उसमें डूब जाता है, उसके बाद सोचने लग जाता है, तब दुख का अनुभव होता है। और मन उसमें जुड़ता नहीं है तो ठीक है, जो है सो है, अब उसको हम बदल तो सकते नहीं है। रोग आया है, दवाई करेंगे, संयम करेंगे, समय से ठीक हो जाएगा। रुपये पैसे की कमी है तो ऐसा तो नहीं है कि हमें भूखों मरना पड़ रहा है, अरे कमाते हैं, खाते हैं, छोटा सा ही मकान है, इसमें क्या जरूरत है, सोने को जगह मिल ही जा रही है। इस प्रकार से मन सोच लिया तो शरीर को कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। तो जो सेवा स्वागत सत्कार करने का स्वभाव वाला है, सदाचार का पालन करने वाला है, और इन सब से जिसका चित्त शुद्ध निर्मल और प्रसन्न रहता है, वह साधना द्वारा अपने दुखों का अंत कर लेता है। वश्यिका वी पुप्फानि मद्दवानि पमुंचति एवं रागंच दोसंच विपमुंचेत भिक्खवो। जैसे वश्यिका जूही का पौधा, जूही एक पौधा होता है, उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं जो बहुत सुगंधित होते हैं, कोमल भी बहुत होते हैं। वश्यिका वी पुप्फानि वी इव जैसे समान, जैसे जूही का पौधा अपने कुम्हलाए हुए फूलों को पमुंचति छोड़ देता है, त्याग देता है। जूही के पौधे में फूल आया, कुछ देर पश्चात फूल कुम्हला गए, कुम्हला गए तो अपने आप जमीन पर गिर गए। जूही का पौधा उसे मोह नहीं करता कि देखो इतना मेरा फूल इतना सुंदर खिला हुआ था, मुरझाए गया तो क्या हुआ, मेरा ही है, उसका वह त्याग कर देता है।
त्याग कर देता है तो फिर दूसरे दिन ऐसे फूल आ जाता है। यहां तो उदाहरण है कि जूही का पौधा अपने मुरझाए हुए फूलों को छोड़ देता है, त्याग देता है। एवं रागंच दोषंच विपमुच्चेंथ भुक्खवो, तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, इसी प्रकार तुम भी राग और द्वेष को विपमुच्चेंथ अच्छी तरह से, पूरी तरह से त्याग दो। कल्याण चाहते हो, आनंद चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, कहीं बंधन और परवशता नहीं चाहते, ये चाहते हो कि तुम्हारा मन पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुभव करे, तो राग और द्वेष का पूर्णतया त्याग कर दो। जब तक राग और द्वेष का पूर्णतया त्याग नहीं होगा, मन स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि बंधा हुआ मन रहेगा। मन राग आया, चित्त में मलिनता आएगी ही, द्वेष आएगा, चित्त में मलिनता आएगी ही। और चित्त में जहां मलिनता है तो आनंद का अनुभव कैसे होगा, कल्याण की साधना कैसे बनेगी। इसलिए जैसे जूही का पौधा अपने मुरझाए हुए फूलों को छोड़ देता है, हे भिक्षुओं, यदि कल्याण चाहते हो तो उसी प्रकार से तुम राग और द्वेष को सर्वथा छोड़ दो। राग द्वेष का सर्वथा त्याग किए बिना कल्याण की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संत कायो संतवाचो संतवासु समाहितो वंतलोकामिसो भिक्खु उपसंतोति उच्चति। संत कायो, जिसकी काया संयमित है, शांत शांत है, यहां काया से तात्पर्य है इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दोनों को ले ले। जिसकी इंद्रियां संयत हैं, शांत हैं, संतवाच्यो, जिसकी वाणी शांत है, संतवा, और जो मन से शांतिवान है, जिसका मन संयमित है, सुसमाहितो, और जिसका मन अच्छी तरह से समाहित है, एकाग्र चित्त है, समाधिलीन है, इसके साथ साथ वंतलोकामिषु, जिसने संसार के भोगों, संसार के भोग रूपी आमिष का वमन कर दिया है, भिक्खु उपसंतोति उच्चति, ऐसे भिक्षु को उपशांत, पूर्ण शांत शांत कहा जाता है। पहली बात, इंद्रियों का संयम। ये हर साधक के लिए आवश्यक है। फिर वाणी का संयम और मन का संयम, तीन चीजें हैं हमारे पास, तन है, मन है, वचन है। तन से, इंद्रियों से आचार होते हैं, कर्म होते हैं। जितने भी कर्म हम करते हैं इंद्रियों से ही तो करते हैं। वाणी से उच्चार होता है, बोलना, और मन से विचार होता है, आचार, उच्चार
और विचार, जब ये तीनों संतुलित हो गए, संतुलित होने का अर्थ है इंद्रियों द्वारा कोई ऐसे कर्म न करना जो कर्म अपने लिए और दूसरों के लिए दुखदाई हो। किंतु सदैव शुभ कर्म करना, ऐसे कर्म करना जो कर्म अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदाई हो। उच्चार वाणी से कभी गलत बात, कटु बात, छलपूर्ण बात न बोलकर सदैव विवेक विचार पूर्ण बातें बोलना, समय के अनुकूल बोलना और विचार सदैव शुभ विचार ही रखना, शुभ चिंतन मन से करना, कभी राग द्वेष ईर्षा घृणा भोगों में सुख है ऐसी भावना, ये सब विचार मन में न आए, किंतु आत्मचिंतन चलता हो, विवेक विचार का चिंतन चलता हो, शरीर संसार की क्षणभंगुरता, दुख रूपता, बंधन रूपता, परिवर्तनशीलता का चिंतन चलता हो, तब समझे कि हमारे आचार विचार और उच्चार ये तीनों संतुलित हैं। यहां तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस भिक्षु का, जिस साधक का आचार संतुलित है, उच्चार संतुलित है, विचार संतुलित है, तन मन इंद्रियां, मन तन मन वचन, ये तीनों संयत है, शांत है, संतुलित है, वंत लोकामिशो अन्य इसके साथ साथ सुसमाहित, तो जिसका मन एकाग्र है, समाधि में डूबा हुआ है, जिसके चित्त का पूर्ण समाधान हो चुका है, चित्त में कोई शंका नहीं रह गई है, निशंक मन, निश्चिंत मन, निर्भय मन हो चुका है, वंत लोकामिशो, और जिस साधक ने संसार के रूपी आमिष का वमन कर दिया है, जैसे आदमी को कभी किसी कारणवश उल्टी हो जाती है, तो उस उल्टी की तरफ देखने का भी मन नहीं होता, उसको देखकर ही घृणा होती है, तथागत बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार जिस साधक ने संसार के भोगों को वमन के समान त्याग कर दिया है, पूरा यहां तो कहा गया है कि वमन कर दिया है, पूरी तरह से भीतर बाहर से त्याग दिया, इंद्रियों से तो किसी प्रकार के भोग भोगता ही नहीं है, मन से भोग भोगने की इच्छा ही नहीं होती है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण उपरामता, जैसे कहा गया कि उल्टी को देख करके कितनी घृणा होती है, कितने बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, एकदम मेवा मिष्ठान पौष्टिक चीज खाए रहो और उल्टी हो गई, तो कोई आदमी सोचेगा कि इतनी कीमती कीमती चीज है, इसमें बहुत कठिनाई से मिला था, बड़ा पैसा लगाया था, उल्टी हो गई, लाभ फिर उठाकर खा लो, कोई ऐसा करता है? उधर ताकता भी नहीं है वो। इसी प्रकार जिन भोगों को त्याग कर वह साधु हुआ है, उन्हें वमन के समान समझ ले, जो इस प्रकार वमन के समान समझता रहता है, उधर से जिसका मन बिल्कुल उपराम हो जाता है, घृणा हो जाती है जिसे, उपसंतोति उच्चति, ऐसे भिक्षु को कहा जाएगा कि वह भिक्षु पूरी तरह से शांत है। अतना चौदय तानम पटिवासे अतमत्तना सो अतगुत्तो सतिमा सुखम भिक्षु विहाहिषि,
अपने द्वारा अपने को प्रेरित करे और अपने द्वारा अपने में स्थित हो। जो स्वयं को प्रेरित करता है, वैसे बाहर के लोगों से भी प्रेरणा मिलती है। जो साधक है, कल्याण इच्छुक है, साधना मार्ग में चल रहा है, उसको संत गुरुजनों की शरण, उनका सत्संग, उनका साहचर्य हर समय चाहिए। बिना संतों की शरण, संतों की संगति, संतों का साहचर्य, संतों से प्रेरणा पाए, कल्याण मार्ग में एक रस चलना बड़ा मुश्किल होता है। इनके बिना, संतों की शरण, संगति, प्रेरणा, उनके सत्संग के बिना कोई अपना कल्याण का काम कर नहीं सकता। लेकिन यह भी समझना होगा, संत गुरुजनों की प्रेरणा केवल बाहर से ही होगी। वे बाहर बाहर से ही हमें प्रेरित कर सकते हैं। और उनकी प्रेरणा का अर्थ क्या है कि हमारे मन में जागृति आए, हम स्वयं जागें और जाग करके साधना में डट पड़े। अंत में तो हमें अपने कदमों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई किसी को अपने कंधे पर उठा करके कहां तक ले जाएगा, कितना समय तक ले जाएगा। अरे कोई बीमार है, मजबूरी है, तो कंधे पर उठा लिया, ले गया थोड़े दूर, फरलांग दो फरलांग, और जिंदगी भर कोई कंधे पर उठाए रहे, ये कैसे होगा। तो इसी प्रकार से संत गुरु केवल बाहर बाहर से प्रेरणा दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, राय बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, स्वयं आचरण में चलकर भी बता सकते हैं, भाई देखो इस आचरण से चलो, ऐसा व्यवहार करो, इतना कर सकते हैं। लेकिन अंत में तो हमें स्वयं जागना ही पड़ेगा, उनके उपदेश को, उनके आचरण को देख करके वैसे आचरण करना पड़ेगा, उसी प्रकार से त्याग बैराग्य के पथ में चलना पड़ेगा, तब तो कल्याण होगा। यहां तथागत बुद्ध कहते हैं, साधक को स्वयं अपने आप को प्रेरित करना चाहिए कि मैं साधना मार्ग में आया हूं। क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं? कल्याण करने के लिए। लेकिन मैं पिछड़ रहा हूं, मेरी साधना पूरी होने रही है, कहां कमी हो रही है? स्वयं वह खोज करे और कमी हो तो अपने को धिक्कारे, फिर अपने को साहस दे, सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अन्य लोग जो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो मेरे समान आदमी ही तो हैं। मैं पूर्ण वैराग्य के पथ में आगे बढ़ सकता हूं, पूरी साधना कर सकता हूं और अपना कल्याण करने का पूरा बल मेरे पास है। इस प्रकार से जो अपने अंदर साहस भरता है, वह अपने को प्रेरित करके कल्याण पथ में आगे बढ़ता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, साधक को चाहिए कि वह स्वयं विवेक जागृत करे, अपने अंदर साहस भरे और स्वयं को साधना में, वैराग्य में प्रेरित करे। इसके साथ साथ पटवासे अत्मतना, अपने द्वारा अपने आप में स्थित हुए। स्थिति अपने आप में ही होती है, स्वरूप में ही होती है, और कोई दूसरा हमें तो हमारे स्वरूप में स्थित करेगा नहीं। कोई ऐसी स्थिति, स्वरूप स्थिति ऐसी कोई जगह नहीं है कि कोई उठा दिया हमें, उसमें ले जाकर बैठा दिया, चलो अब इसमें बैठे रहो तुम। हमें स्वयं को ही, स्वयं के द्वारा अपने आप में स्थित करना होगा। अपने प्रयत्न से, अपनी साधना से, अपने विवेक बल से हमें आत्मस्थिति करनी होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
तो अपने द्वारा अपने को प्रेरित जो करता है और जो अपने द्वारा अपने में स्थित होता है, सो अत गुत्तो सतिमा भिक्खुम सुखम भिक्खुम विहाहिष, वह भिक्षु कैसा है? अत गुत्तो, अपने में आत्मगुप्त आत्म सुरक्षित, वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता है, वह आत्म सुरक्षित होता है, अपने को प्रेरित किया, अपने में स्थित हो गया तो वह आत्म सुरक्षित हो गया। जब तक हम अपने आप को पूर्ण विवेक वैराग्य की साधना में ढाल नहीं लेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। बाहर से हमारी सुरक्षा कौन करेगा? बाहर से सुरक्षा करने वाले तो केवल शरीर की सुरक्षा करेंगे बस, और शरीर एक दिन छूटना छूटना है। संत गुरुजन भी बाहर बाहर से प्रेरणा देंगे, लेकिन अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि के शत्रु बैठे हुए हैं, उनसे तो स्वयं को लड़ना पड़ेगा ना, उनसे तो स्वयं को ही बचाना पड़ेगा। तो अपने आप को ही आत्मसुरक्षित करना पड़ेगा। भागवत पुराण में वह जो मंत्र आता है, आत्मव्याप्तनो गुप्ता निर्विद्येत यदा खिलात अप्रमत इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मव्याप्तनो गुप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षा करने वाला हो जाता है। कब होता है? निर्विद्य यदा खिलात, जब संपूर्ण संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य हो जाता है, तब जब शरीर से लेकर जो कुछ संसार दिखाई पड़ता है सबके प्रति पूर्ण उपरामता हो गई, पूर्ण वैराग्य हो गया, तब यह जीव अपना रक्षक स्वयं बन गया। वो बात यहां कहते हैं स्व अत गुत्तो, वह भिक्षु जो अपने को अपने में प्रेरित करता है, अपने को अपने में स्थित करता है, वह आत्मसुरक्षित हो जाता है। और सतिमा, वह सब समय जागृत रहता है, सावधान रहता है। उसका परिणाम क्या होता है? सुखम विहाहिषि, सुख पूर्वक विहार करता है, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। जो आत्मसुरक्षित है, स्मृतिमान है, सदैव जागृत है, उसका जीवन शांति से व्यतीत हो गया ही। जो स्वयं द्वारा प्रेरित है, जिसकी इंद्रियां स्वाधीन है, जिसका मन पूरी तरह से निर्मोह अनासक्त हो गया है, वह आत्मसुरक्षित है। और इसके साथ साथ जो सतिमा है, सब समय जागृत, सब समय सावधान। जागृत का अर्थ है कि मन प्रपंच में न जाने पाए, मन कुचिंतन न करने पाए, शरीर संसार और भोगों का चिंतन न करने पाए। तो जो मन माया से उपराम है, सब समय सावधान है, वही जागृत है। क्योंकि हमने यदि अपने आप पर संयम कर लिया, ठीक है, हमारा मन स्वस्थ हो गया, हमारी इंद्रियां स्वस्थ हो गई, हम वैराग्य और साधना के पथ में चल रहे हैं, लेकिन हम ये मान लें अब तो मैंने अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ कर लिया, अब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, अब मैं पूर्ण कल्याण कर लूंगा, फिर असावधानी में पड़ने का चांस आ सकता है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संग दोष की संभावना बनी रहती है। सावधान नहीं रहे, कुसंग में पड़े, बस मन में विकार आना शुरू हुआ। इसलिए जिंदगी भर सावधान रहने की जरूरत है,
अपने आप पर स्वस्थता प्राप्त हो गई, मन भोगों से उपराम हो गया, इंद्रियां स्वस्थ हो गई, लेकिन जब तक जीवन है तब तक सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो कुसंग में पड़े, संग दोष हुआ, उसमें रस लेने लगे, फिर पतन होने का पूरा चांस। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत गुत्तो वह आत्म सुरक्षित तो है, अपने आप को प्रेरित करके वह अपने आप में स्थित हो गया, इसलिए सुरक्षित हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं वह ऐसा होने के बाद भी उसे सतिमा स्मृतिवान जागृत सावधान रहने की जरूरत है। जब पूर्ण जीवन सावधान रह करके व्यतीत करेगा, जागृत होकर व्यतीत करेगा, तभी इस जीवन में रहते रहते वह जीवन मुक्ति का लाभ लेगा और उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी। अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो गति, तस्मा सन्मय तानम असम भद्रम वाणिजो। अत्ता ही अतनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अत्ता ही अतनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति है, प्राप्तव्य है, मंजिल है, पहुंच है। इसलिए अपने आप पर संयमय तानम संयम आत्मानम आत्मा पर अपने आप पर संयम करें। कैसे संयम करें? असम भद्रम वो वाणिज्यो, जैसे वाणिज्यो व्यापारी अपने अच्छे घोड़े को प्रशिक्षित और संयमित कर लेता है, ऐसे ही साधक को चाहिए कि वह अपने आप को प्रशिक्षित और संयमित करे। इस गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। इसके पहले एक और गाथा में इसी धम्मपदम में आ चुका है, अत्ता ही यतनो नाथो को ही नाथो परोसिया। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, इसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? आत्मा सर्वोपरि है, इसके ऊपर स्वामी की बात जो सोचते हैं वो केवल कल्पना है। जब ये स्वयंभू है, इसका मालिक दूसरा कौन हो, कौन इसे प्रेरित करने वाला होगा? इसे कोई विवश नहीं कर सकता, अपना स्वामी अपना मालिक यह आत्मा यह जीव स्वयं है और अपना मालिक स्वयं है, तो चाहे अपने को उठाए चाहे अपने को गिराए, दोनों में स्वतंत्र है यह। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं ही मेरा मालिक हूं, तब ये अपने अंदर साहस आएगा कि जब मैं अपना मालिक हूं तब अपना कल्याण में क्यों नहीं कर सकता, मैं तो पूर्ण स्वतंत्र हूं। अब जब साहस आएगा तब साधना में मन लगेगा। इसलिए अत्ता ही अतनो नाथ हो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, इसका स्वामी इसका मालिक कोई दूसरा नहीं है। और अत्ता ही अतनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति है, आत्मा को कहीं पहुंचना नहीं है, इसकी मंजिल कहीं बाहर नहीं है, इसकी मंजिल इसका प्राप्तव्य यह स्वयं ही है, आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है, वहीं पहुंचकर उसको पूर्ण विश्राम मिलेगा। इसलिए अपने आप पर पूर्ण रूपे संयम करें। अब कैसे संयम करें? जैसे व्यापारी लोग अपने घोड़े को प्रशिक्षित कर लेते हैं, घोड़ा बहुत तेज होता है और तेज घोड़े को आप सिखाए बिना, उस पर सवारी करने की कला जाने बिना बैठ गए कूद करके, तो क्या होगा? घोड़ा पटकेगा, हाथ पर तोड़ देगा। तेज घोड़ा है तो उसको सिखाना पड़ेगा, और सिखाना न के साथ साथ घोड़े पर बैठने की कला स्वयं सीखनी पड़ेगी। घोड़ा तो सीखा हुआ है और हम ही सीखे नहीं है कि कैसे चलाएं घोड़ा को, तो कहीं घोड़ा एक बार कूदा
बस घोड़ा अलग हम अलग। तो घोड़े को भी सिखाना है अपने को भी सीखना है। तो जैसे व्यापारी अपने घोड़े को सिखा लेता, प्रशिक्षित कर लेता, संयमित कर लेता है, फिर घोड़े पर बैठ करके लंबी लंबी यात्रा करता है, ऐसे ही जब हम अपने आप पर पूरी तरह से संयम कर लेंगे तब हमारी कल्याण की यात्रा पूरी होगी, हमें परम शांति की प्राप्ति होगी अपने आप में स्थित होकर के। पामुज्ज बहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदम संतम संखारूप समम सुखम। पामुज्ज बहुलो भिक्षु, जो भिक्षु पामुज्ज बहुलो अत्यंत आनंद पूर्वक प्रसन्नो बुद्ध शासने और प्रसन्नता पूर्वक बुद्ध शासने, बुद्ध का शासन, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का उपदेश का पालन करता है। सीधा अर्थ है कि जो साधक प्रसन्नता पूर्वक गुरु की शिक्षा के अनुसार चलता है, गुरु के उपदेश को मानने में, उसका आचरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है और उसमें ही आनंद पूर्वक रहता है, उसमें आनंद पूर्वक साधना करता है, वह क्या करेगा? अधिगच्छे पदम संतम संखारूप समम सुखम। सारे संस्कारों का उपशमन करके, संस्कार यहां तात्पर्य है मन की वासनाएं, वह आनंद पूर्वक साधना में चलते हुए सारे संस्कारों को, सारे वासनाओं का उपशमन करके सुखमय शांति पद को, निर्वाण पद को प्राप्त करता है। ज्ञान वैराग्यवान जो सद्गुरु हैं, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश को सुनने में आनंद नहीं है, सद्गुरु के उपदेश को सुनकर के मन में क्लेश हो जाता है, कि क्या करें, बार बार ये लोग यही बताते हैं, बैराग करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अरे एक बार बता दिए, वही बार बार कहने की क्या जरूरत? कहीं अपने मन में ऐसी भावना आई जिसका मतलब है कि हमारा मन अब संसार की तरफ आकर्षित हो रहा है, और ज्ञान वैराग्यवान सद्गुरु द्वारा ज्ञान वैराग्य की शिक्षा बारंबार सुन करके भी मन प्रसन्न होता है और उस शिक्षा का पालन करने में, उसका आचरण करने में प्रसन्न होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो जो साधक गुरु के उपदेश सुनने में प्रसन्न होता है, आनंद पूर्वक वैसी साधना में चलता है, वही अपने सारे संस्कारों का समन कर सकेगा, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकेगा। गुरु के उपदेश के अनुसार आनंद पूर्वक साधना करने पर ही वासनाएं शांत होंगी, वासनाओं पर विजय मिलेगी। अब जब वासनाएं शांत हो गई, वासनाओं पर विजय प्राप्त हो गई, तब क्या होगा? अधिगच्छे पदम संतम सुखम, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप जो पद है निर्वाण पद, उसकी प्राप्ति होगी। निर्वाण पद सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। निर्वाण में पहुंचकर कोई दुख नहीं रह गया, अशांति, पीड़ा, क्लेश सब समाप्त। इसलिए यदि उस निर्वाण पद को चाहते हैं तो जो ज्ञान वैराग्यवान संत हैं, सद्गुरु हैं, उनके उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक श्रवण करें और प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक उन उपदेशों का आचरण करते हुए साधना करें। यो हावे दहरो भिक् युंजति बुद्ध शासने सो इमं लोकं प्रभासेति अभ्यमुत्तो वा चंद्रिमा। यो जो भिक्खु दहरो, बचपन से ही, थोड़ी उम्र से ही युंजति बुद्ध शासने, गुरु के उपदेश से जुड़ जाता है, सद्गुरु की शरण में आ जाता है,
निश्चित ही सचमुच ही वह इमम लोकम इस संसार में प्रभाषेति प्रकाशित होता है। कैसे प्रकाशित होता है? अभामुत्तो व चंद्रिमा चंद्रिमा, जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है। बादल आकाश में घिरे हैं तो चंद्रमा का प्रकाश पूरा दिखाई नहीं पड़ता, और वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल बिल्कुल नहीं है तो चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है, क्योंकि वर्षा होने से बीच में जो धूल गर्दा छाए रहते हैं वो सब के सब नीचे जमीन पर आ गए, कहीं कोई धूल गर्दा नहीं है। तो वर्षा ऋतु की चंद्रमा देखो तो एकदम खिला हुआ पूर्ण प्रकाशित। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु अपनी थोड़ी उम्र से ही दुनियादारी की हवा लगने के पहले ही गुरु की शरण में जुड़ जाता है, गुरु की शरण में लग जाता है, और गुरु की शरण में लग करके थोड़ी उम्र से ही साधना करने लग जाता है, और उस साधना में अपने आप को निरंतर लगाए ही रखता है, तो वह धीरे धीरे संसार में इसी प्रकार से प्रभावित प्रकाशित होता है। उसका प्रकाश, उसकी चमक उसी प्रकार फैल जाती है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है और उसका प्रकाश फैलता है।